हेलो एवरीवन, आई अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो के साथ में हम दूसरी सीरीज शुरू कर रहे हैं अपनी, जो है ऑन पेज एसईओ के बारे में। इस ऑन पेज एसईओ सीरीज में हम ऑन पेज एसईओ के एक एक एलिमेंट को उठा उठा कर छांट छांट कर पकड़ेंगे और उसे शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा एक्सप्लेन करेंगे, कैसे यूज करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों का अवॉइड करना है, इन सब के बारे में डिटेल से बात होगी। नाउ ऑन पेज एसईओ शुरू करने से पहले हमने इमेज एसईओ के ऊपर 5 से 6 वीडियो की पूरी सीरीज की हुई है, जिसको आपको देखना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। इस सीरीज का, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टॉप राइट कॉर्नर में भी झांक रहा होगा, आप देख सकते हैं। ऑन पेज एसईओ के इस पहले वीडियो में, इस सीरीज के पहले पार्ट में आज हम कवर करेंगे लैंग्वेजेस को, किसी एक वेब पेज पर कितने लैंग्वेज में कंटेंट लिखा जा सकता है, मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट को कैसे कवर किया जाता है और साथ में hreflang टैग को भी कवर करेंगे, इसके क्या यूज होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, इन सब के बारे में बात होगी। सो लैंग्वेजेस के ऊपर ही सारी वेबसाइट्स बेस्ड होती हैं और सर्च इंजन हर लैंग्वेज के लिए, हर कंट्री के लिए अलग तरीके से वेबसाइट्स को रैंक करते हैं और इंडेक्स करते हैं, लेकिन इंडिया में इंडियन वेबसाइट्स के लिए, इंडियन एसईओज के लिए लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत ट्रिकी चीज है। थैंक्स टू ब्रिटिश, हमारे यहाँ हर स्टेट में अपनी लैंग्वेजेस के साथ में इंग्लिश को भी बराबर इंपॉर्टेंस मिलती है। हमारे यहाँ जितना भी सरकारी काम काज होता है वो सब कुछ इंग्लिश में होता है। इनफैक्ट जिसको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती है, जिसको लिखनी भी नहीं आती, वो भी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स समझता है। एक एवरेज फॉरेनर कंट्री में अगर आप जाते हैं, जापान में, चाइना में, वहां पर जितना पढ़े लिखे लोग भी इंग्लिश नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ उतनी से ज्यादा इंग्लिश कई बार अनपढ़ लोग भी समझते हैं, जानते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। सो जितनी भी वेबसाइट्स हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में काम करती हैं, उन सब के सामने एक चैलेंज आता है कि आखिर वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कंटेंट बनाए, इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट लिखें या अपनी लैंग्वेज में कंटेंट लिखें। अगर अपनी लैंग्वेज में कंटेंट लिखते हैं, अपनी लैंग्वेज में वेबसाइट को पब्लिश कर रहे हैं, उसका एसईओ कर रहे हैं, तो जो ऑडियंस है वो अपनी लैंग्वेज में सर्च नहीं करती, वो सर्च इंग्लिश में लिखकर सर्च करती है। हिंदी वेबसाइट के साथ में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आखिर आप अपनी वेबसाइट को हिंदी में बनाएं या इंग्लिश में बनाएं, क्या इंग्लिश अपने आप में कोई एक एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। सो इन सारे एस्पेक्ट के ऊपर हम एक एक करके आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या आप एक वेबसाइट पर एक से ज्यादा लैंग्वेजेस का कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, क्या ये अलाउड है, क्या इससे आपके एसईओ पर कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ेगा। इसका आंसर है कि यस, आप एक वेबसाइट में एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस का कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपके पास एक वेबसाइट है, लेट्स से example.com, आप उसमें हिंदी में भी कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, मराठी में पब्लिश कर सकते हैं, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गूगल को आपके एसईओ से, आपके कंटेंट से कोई भी इशू नहीं होगा, आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है। नाउ यहां पर एक छोटा सा कैवियट है। कैवियट क्या है कि कई बार गूगल ये सजेशन देता है, एसईओ सजेशन देते हैं, आपको वीडियोस में, ब्लॉग्स में बोला जाएगा कि आप लैंग्वेजेस को अलग अलग फोल्डर में बनाकर रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदी पेजेस हैं तो example.com/hi/ आपके पेज का यूआरएल होना चाहिए, और अगर इंग्लिश कंटेंट है तो example.com/en/ जो भी आपके पेज के यूआरएल है, इस तरह से पेजेस को स्ट्रक्चर करना चाहिए। यस, ये एडवाइस सही है, आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये जो आप काम कर रहे हैं, ये जो आप डायरेक्टरीज में अलग अलग तरीके से अपने पेजेस को कैटेगराइज कर रहे हैं, ये आप अपनी सहूलियत के लिए कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट के विजिटर्स की सहूलियत के लिए कर रहे हैं, एसईओ से इसका डायरेक्टली लेना देना नहीं है। अधिकतर एसईओज को पता है, आपको भी आई एम श्योर 100% पता होगा, जो लोग नए एसईओज हैं उनके लिए एक बार मैं खुल के साफ शब्दों में बता देता हूं कि गूगल वेब पेजेस को रैंक करता है, वेबसाइट को रैंक नहीं करता है। सो आप example.com वेबसाइट पर चाहे हिंदी में कंटेंट पब्लिश करें या इंग्लिश में कंटेंट पब्लिश करें, उसका यूआरएल कुछ भी हो, वो पेज अपनी मेरिट के बेस पर रैंक करेगा या नहीं रैंक करेगा, उसमें लैंग्वेज की डायरेक्टरी का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन फिर भी कैटेगराइज करना चाहिए। क्यों कैटेगराइज करना चाहिए? क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट को पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तब वहां पर लैंग्वेज के बेस पर स्ट्रक्चर करने से ज्यादा सहूलियत रहेगी, आपको आगे कंटेंट को पब्लिश करने में, उसे लिंक करने में हेल्प मिलेगी, आप अपनी वेबसाइट को बेटर स्ट्रक्चर देंगे, साथ ही में जो वेबसाइट के विजिटर्स हैं उनको भी इस तरह से वेबसाइट को देखने में थोड़ा मजा आएगा। उन्हें भी पता होगा कि जब मैं example.com/hi पर जा रहा हूं तो हिंदी यूआरएल मिल रहे हैं, example.com/en पर जा रहा हूं तो इंग्लिश पेजेस मिल रहे हैं। सो ये एक यूजर एक्सपीरियंस का पॉइंट है, आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट है, एसईओ में उसका रोल उतना ज्यादा नहीं है। नाउ दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या आप एक पेज पर एक से ज्यादा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। यहां पर आंसर है नहीं, आपको एक पेज पर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को यूज करना चाहिए। अगर आपका पेज है example.com/hi/ लेट्स से सैंपल पेज, तो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी का कंटेंट पब्लिश करेंगे, इसमें इंग्लिश यूज करना अच्छा नहीं है। एक सिंगल यूनिट है, उस सिंगल यूनिट की अपनी एक लैंग्वेज है और उसी लैंग्वेज में गूगल कंटेंट को एक्सपेक्ट कर रहा है, उसी लैंग्वेज के पेज के कंटेंट के बेस पर गूगल किसी एक सर्टेन ऑडियंस को आपका पेज रेकमेंड करने जा रहा है। सो लेट्स से फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक यूजर को हिंदी अच्छी तरीके से आती है, वो एक हिंदी पेज को विजिट करना चाहता है और आप उसे ऐसा पेज पकड़ा देते हैं जिसमें हिंदी में भी कंटेंट है आधा और आधा इंग्लिश में है, तो यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। सर्च इंजन अपने
अपने आप में कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए आप एक वेबसाइट में एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं, बट एक वेब पेज में एक से ज्यादा लैंग्वेज मत यूज करिए, सिर्फ एक ही लैंग्वेज में एक पेज में कॉन्टेंट को पब्लिश करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो है कि क्या हम इंग्लिश में वेबसाइट बना सकते हैं। वेल, ये एडवाइसेबल नहीं है, बिकॉज इंग्लिश अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश अपने आप में एक जुगाड़ है, राइट? आप हिंदी टेक्स्ट को जब आप इंग्लिश रोमन स्टाइल में लिखते हैं, इंग्लिश के लेटर्स में लिखते हैं, तो इसे इंग्लिश कहा जाता है। और ये इंग्लिश चैट की लैंग्वेज है, आप व्हाट्सएप पे यूज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर यूज कर सकते हैं, एक दूसरे को एसएमएस भेजने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको वेबसाइट में इंग्लिश को यूज नहीं करना है, बिकॉज एक वर्ड को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, राइट? कोई मैं को लिखने के लिए एम आई यूज करता है, कोई एम ए आई यूज करता है, कोई एम ए आई एन यूज कर सकता है, बिकॉज ये अपने आप में एक जुगाड़ है, इसकी अपनी कोई ग्रामर नहीं है, उसकी कोई स्पेलिंग नहीं है, किस बेस पर गूगल जाकर आपके वर्ड्स को समझेगा। सो आप इंग्लिश में वेबसाइट को पब्लिश ना करें, या तो आप हिंदी के साथ स्टिक करें या फिर इंग्लिश के साथ में स्टिक करें। जितना गूगल ए आई के फील्ड में आगे बढ़ रहा है, मम जो गूगल का अपना खुद का नया मॉडल है, वो वर्ड्स को आराम से ट्रांसलेट कर सकता है, और बहुत ही जल्दी नियर फ्यूचर में ऐसा गूगल करेगा जहां पर वो एक लैंग्वेज के कॉन्टेंट को विजिटर को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपने आप दिखा लेगा। सो अगर आपका कंटेंट हिंदी में है तो भी इंग्लिश ऑडियंस आपको मिल सकती है, और अगर आपका कंटेंट लेट्स से मराठी में है या पंजाबी में है तो भी आपको इंग्लिश की जो ऑडियंस है वो मिल जाएगी, इंग्लिश ऑडियंस तक आपका कंटेंट पहुंच जाएगा। बहुत ज्यादा दिन वो दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से लेकर 1 साल के टाइम बचा है इस मामले में, और अधिकतर टेस्ट वेबसाइट में ऐसा ऑलरेडी हो रहा है जहां पर एक लैंग्वेज का कंटेंट दूसरे लैंग्वेज में गूगल ऑटोमेटिकली पब्लिश करके दिखा रहा है, सर्च रिजल्ट्स में दिखा रहा है। सो आपको इंग्लिश जैसी जुगाड़ को यूज करने की जरूरत नहीं, उसे चैट तक रखिए, घर परिवार के आपस के फैमिली ग्रुप में चैट करिए, लेकिन इंग्लिश में कॉन्टेंट वेबसाइट पर पब्लिश नहीं करना है। नाउ फोर्थ पॉइंट है इंग्लिश कीवर्ड को टारगेट करना। अधिकतर कई बार हिंदी वेबसाइट ओनर्स या फिर पंजाबी या फिर मराठी लैंग्वेजेस के जितने भी वर्नाकुलर लैंग्वेज के वेबसाइट ओनर्स हैं, उनके सामने एक चैलेंज होता है कि जो ऑडियंस है वो इंग्लिश में कंटेंट को सर्च कर रही है, राइट? वो जब भी किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं वो इंग्लिश में सर्च करते हैं, उस ऑडियंस के सामने आखिर अपनी वेबसाइट को कैसे टारगेट किया जाए? और इसका आंसर है कि आप इंग्लिश वर्ड को अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने का तरीका सही होना चाहिए। लेट्स से कि आपके वेब पेज पर एक लाइन है, राहुल स्कूल जाता है। इस पेज पर आप स्कूल वर्ड को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे कि राहुल लिखा हिंदी में, स्कूल लिखा इंग्लिश में, एंड देन जाता है आपने हिंदी में लिख दिया, ये गलत हो जाएगा, ये लैंग्वेज की मिक्सिंग है। सही तरीका क्या होगा कि आप पूरा हिंदी में लिखेंगे, राहुल भी हिंदी में होगा, स्कूल भी हिंदी में होगा, जाता है भी हिंदी में होगा, सिर्फ स्कूल हिंदी में लिखने के बाद आप छोटा सा ब्रैकेट बनाएं और उसके आगे स्कूल इंग्लिश में लिख सकते हैं, एस सी एच डबल ओ एल, ब्रैकेट बंद करिए, काम आपका हो गया। सो आप अपने पेज के आर्टिकल में, जो भी आपका पेज हिंदी में है, मराठी में, पंजाबी में, किसी भी इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेज में है, वहां पर आप नॉर्मल टेक्स्ट अपनी लैंग्वेज में लिखिए। जिस भी कीवर्ड को आप टारगेट करना चाहते हैं उस कीवर्ड को सही जगह पर इंग्लिश में लिख दीजिए साथ में, ठीक है? उसे अपनी लैंग्वेज के साथ में रिप्लेस नहीं करना है, उन वर्ड्स को एडिशनल हो सकते हैं, ठीक है? अगर आप एडिशनल यूज कर रहे हैं, सही जगह पर यूज कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, तो वो गूगल उन कीवर्ड्स को टारगेट करने में, एसोसिएट करने में आपके कंटेंट के साथ में गूगल को हेल्प मिलेगी, आपका कंटेंट बेटर रैंक करेगा। उसके साथ में आप स्कीमा डेटा को भी ऐड कर सकते हैं। स्कीमा डेटा में आपको अपनी लैंग्वेज नहीं यूज करनी, स्कीमा डेटा हमेशा इंग्लिश में ही होगा, तो गूगल को ऑलरेडी आपके पेज के कंटेंट को उस पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ में एसोसिएट करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दो चीजों को ध्यान में रखना है, स्कीमा इंग्लिश में होगा और स्कीमा करेक्ट होगा, और साथ ही में जो आपके इंग्लिश के वर्ड हैं वो अपनी लैंग्वेज के वर्ड्स के साथ में ब्रैकेट के अंदर आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है? एक बार एग्जांपल फिर से देख ले। लेट्स से कि मोहन स्कूल से वापस आता है। अब अगर आप मोहन कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हैं तो मोहन लिखने के बाद मोहन के आगे ब्रैकेट के अंदर आप एम ओ एच ए एन लिख देंगे, फिर स्कूल से वापस आता है, आपका लाइन पूरी हो गई, आपने मोहन कीवर्ड को भी टारगेट कर लिया और मोहन को इंग्लिश में भी यूज कर लिया, हिंदी में भी यूज कर लिया, राइट? इस तरह से आप लैंग्वेजेस को आपस में मिक्स नहीं करेंगे, साथ में एसोसिएट कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट है मल्टीलिंगुअल वेबसाइट में, ऐसी वेबसाइट में जिसमें एक से ज्यादा लैंग्वेज में कंटेंट पब्लिश किया गया है, और वो है टेक्निकल इंडेक्सिंग का पॉइंट। लेट्स से कि आपकी अपनी वेबसाइट पर एक पर्टिकुलर आर्टिकल आपने हिंदी, इंग्लिश, मराठी और पंजाबी, चार लैंग्वेजेस में दिया हुआ है। नाउ आप इसे गूगल के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे? क्या गूगल आपके इन चारों पेजेस को इंडेक्स करेगा? बिकॉज कॉन्टेंट एक ही है। कई बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि क्या मुझे इस टाइप के पेजेस पर कैनोनिकल टैग यूज कर लेना चाहिए। अगर आप अपने चारों पेजेस पर कैनोनिकल टैग लगा लेते हैं, और लेट्स से कि आप कैनोनिकल में लिंक यूज कर रहे हैं इंग्लिश पेज का, तो सिर्फ आपका इंग्लिश पेज ही इंडेक्स होगा। कैनोनिकल लगाने का मतलब क्या हुआ? आप गूगल को बता रहे हैं कि भाई ये एक पेज जिसका मैं लिंक दे रहा हूं सिर्फ इसी को इंडेक्स करना है, बाकी सारे पेजेस इंडेक्स नहीं होने चाहिए। और अगर गूगल ने, भगवान न करे, आपकी बात मान ली, तो बाकी लैंग्वेजेस के, बाकी तीन लैंग्वेजेस के पेजेस को बनाने का कोई भी
मतलब नहीं रह जाएगा, बिकॉज वो इंडेक्स ही नहीं होंगे। अगर वो इंडेक्स नहीं होंगे तो पंजाबी लैंग्वेज वाला पेज पंजाबी ऑडियंस के सामने नहीं दिखाई देगा, हिंदी लैंग्वेज वाला पेज हिंदी ऑडियंस के सामने नहीं दिखाई देगा। आप खुद से बता रहे हैं गूगल को कि भाई सिर्फ इंग्लिश वाला पेज इंडेक्स करो, तो फिर बाकी सारे पेजेस हम क्यों बना रहे हैं? लेट्स से कि आप सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल यूज करते हैं सारे पेजेस पर, आप हिंदी वाले पेज पर हिंदी वाले पेज को कैनोनिकल बना देते हैं, पंजाबी वाले पेज पर पंजाबी को अपना कैनोनिकल बना देते हैं, तो भी प्रॉब्लम वहीं पर रह जाएगी, बिकॉज देन गूगल बॉट के सामने चैलेंज आ जाता है कि भाई इन सारे के सारे पेजेस पर एक ही टाइप का कंटेंट दिया हुआ है, क्या ये सेम है? मैं किसको इंडेक्स करूं, किसे ना इंडेक्स करूं? So, यहां पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एचरफ लैंग टैग को यूज करना, लेकिन एचरफ लैंग टैग का मतलब पहले समझना बहुत जरूरी है। एचरफ लैंग टैग को कई बार बहुत गलत समझा जाता है। एचरफ लैंग टैग का मतलब सिर्फ लैंग्वेज बताना नहीं है, किसी पेज की लैंग्वेज बताना उसका सिर्फ एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन भी है एचरफ लैंग टैग का। सो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं एचरफ लैंग टैग के कोड को। ये आपके सामने कोड है, इसके तीन पार्ट है। सबसे पहले आ रहा है लिंक रेल, इसके बाद है एचरफ और इसके बाद है एचरफ लैंग। इन तीनों चीजों का मतलब समझ लेते हैं। लिंक रेल, रेल का मतलब है रिलेशनशिप, रेल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप क्या है यहां पर? ऑल्टरनेट वैल्यू, यहां पर ऑल्टरनेट ही हमेशा दी जाएगी। दूसरा पार्ट है एचरफ, यानी कि जो एक्चुअल लिंक है जिस पेज के बारे में यहां पर बात हो रही है, ऑल्टरनेट क्या पेज है, ओके? और तीसरा पार्ट है एचरफ लैंग, एचरफ लैंग में यहां पर सामने उस लैंग्वेज और कंट्री कोड का जो शॉर्ट फॉर्म है वो दिया जा रहा है। और ये स्टैंडर्ड है, ये हर लैंग्वेज के लिए पहले से सेट है, आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप हिंदी पेज के लिए बना रहे हैं तो आप एच आई की जगह एच आई एन डी आई कर देंगे, अपनी मर्जी से नहीं काम करेगा। जो ये टेक्निकल टर्म है, जिस लैंग्वेज का जो कोड है ऑलरेडी, इसी को ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। सो नाउ एक बार देखते हैं कि इसे एक्चुअली में यूज कैसे करते हैं। लेट्स से कि आपकी वेबसाइट पर एक पेज, जैसा मैंने बताया, एक पेज हिंदी में है, एक पेज इंग्लिश में है, एक पंजाबी में, एक मराठी में, चारों में कंटेंट सेम है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। सो आपके चारों पेजेस पर ये चार लाइन का कोड पेस्ट किया जाएगा, सब में सेम रहेगा, इक्वली सेम रहेगा। यहां पर सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? आपका लिंक रिलेशनशिप अल्टरनेट, ये सही रहेगा। इसके बाद एचरफ, एचरफ क्या है? यहां पर ये लैंग्वेज वाला जो पेज आपका पंजाबी लैंग्वेज का पेज है, इसको यहां पर पब्लिश किया गया। और इसके बाद एचरफ लैंग क्या आ गया? ये पंजाबी लैंग्वेज का कोड आ गया। दूसरी लाइन में हम इंग्लिश वाला पेज का यूआरएल देंगे, लिंक अल्टरनेट रहेगा, यूआरएल इंग्लिश लैंग्वेज का पेज आ गया। और उसके बाद यहां पर हमने दे दिया आपका जो एचरफ लैंग टैग में आपने इंग्लिश वाला कोड यहां पर पेस्ट कर दिया। सिमिलरली आप हिंदी के लिए भी करेंगे और मराठी के लिए भी करेंगे। सो हर एक पेज पर जिसमें कंटेंट सेम है, वहां पर आप गूगल को बता रहे हैं कि भाई इसी पेज का जो दूसरी लैंग्वेज का अल्टरनेट पेज है वो इस यूआरएल पर अवेलेबल है। बिकॉज ये इंफॉर्मेशन गूगल को हर एक पेज पर मिल रही है, गूगल को पता लग रहा है कि ओके ठीक है, मैं इंग्लिश पेज पर आया हूं, लेकिन इसी इंग्लिश पेज का पंजाबी वर्जन भी अवेलेबल है, मराठी भी अवेलेबल है, और किस यूआरएल पर अवेलेबल है वो भी उसे इसी पेज से पता लग जाता है। इस तरह से आप गूगल बॉट को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई मेरे पास इतनी लैंग्वेजेस में पेज है, वो जब इंग्लिश पेज पर आएगा तो उसे पता लग जाएगा कि भाई पंजाबी पेज भी यहां पर अवेलेबल है, मुझे पंजाबी पेज को पंजाबी ऑडियंस के सामने पेश करना है, उनके लिए इंडेक्स करना है। तो आपके चारों पेजेस इंडेक्स होंगे, आपके चारों पेजेस गूगल के बॉट को हेल्प करेंगे समझने में ऑडियंस को, और वो सही ऑडियंस के सामने उन्हीं पेजेस को समझाएगा। सो एचरफ लैंग टैग सिर्फ लैंग्वेज बताने के लिए नहीं, बल्कि ये भी बताने के लिए कि मेरे पास और ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है। गूगल बॉट आपके पेजेस को, आपके अलग अलग लैंग्वेजेस के पेजेस को इंडेक्स करेगा, रैंक करेगा और सही ऑडियंस तक उन्हें लेकर जाएगा। So, ये था लैंग्वेजेस को, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को अपनी वेबसाइट पर सही तरीके से यूज करने का करेक्ट वे, करेक्ट टेक्निकल वे। इसे यूज करें, अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को सही करें और अपनी वेबसाइट के एसईओ को स्ट्रांग करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट के साथ में, और उसे जरा कायदे से घोंट के समझेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम अमित तिवारी.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।